दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम पाठक हूं और इस वक्त मैं हूं गोपद नदी की पुल पर। वही गोपद नदी की पुल जिस पर मैं शुभम पाठक कई बार बोला हूं, और आज आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गोपद नदी की पुल पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। मैं वीडियो को जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। पूरी पुल पर भयंकर जाम है। अभी मैं जिस पोर्शन पर खड़ा हूं, ये है सीधी जिले का पोर्शन, और पुल के उधर जिधर मैं आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूं, वो है सिंगरौली जिले का पोर्शन। दोस्तों लोगों की भीड़ और एक बस के खराब हो जाने से, ये जो जैन बस आपको दिख रही है, इस बस के खराब हो जाने से बताया जा रहा है कि इसका कुछ पार्ट डिस्टर्ब हो गया है, उसकी वजह से लगभग आधे घंटे से ये बस यहाँ पर खड़ी हुई है। लोग परेशान हैं और बाइकर्स रिस्क लेकर निकलने की फिराक में है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो गोपद नदी की पुल है इतनी संकरी है कि इसमें से सिर्फ एक बार में एक बड़ा वाहन निकल सकता है। सिर्फ सिंगल लेन की पुल है, और ये देखिए एक बाइकर्स जनाब निकलने की फिराक में है। ये उधर सिंगरौली तरफ से आकर और बीच पुल पर फंस गए हैं। लोग रिस्क लेते हैं, और जो मैं आपको अभी ये जगह दिखा रहा हूँ, ये वही जगह है जहाँ पर पुल से नीचे एक ट्रेलर वाहन लगभग 1.5-2 महीने पहले निकला था, और अभी 4-6 दिन पहले एक हाइड्रा क्रेन नीचे गिर गई थी। और ये देखिए इनका रिस्क लेकर लाइफ देखिए इनके लिए कितनी जैसे सस्ती चीज़ है। ये बिल्कुल मुंडी पुलिया में और रिस्क लेकर निकल रहे हैं। दोस्तों लोग कितने लापरवाह हैं, आप इस अपनी स्क्रीन पर देखिए कि लोग बाइक लेकर निकल रहे हैं। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, बिल्कुल आप लोग, मैं कैमरे को जरा जूम करता हूं। देखिए जो सिंगरौली जिले का पोर्शन है, पूरे में ट्रक खड़े हुए हैं। सिर्फ 25 मिनट आधे घंटे की बात ये होगी और इतना ट्रैफिक जाम लग गया। रोड कब बनेगी, नेशनल हाईवे 39 कब बनेगा, ये समझ में नहीं आता। ये संभवतः कॉलेजी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने स्कूल कॉलेजेस जा रहे हैं। और ये सीधी जिले का पोर्शन दोस्तों, जिसमें भी काफी ज्यादा जाम लगा हुआ है, क्योंकि अब जो सीधी जिले का पोर्शन है यहाँ पर रोड मुड़ गई है, इस वजह से उतना ट्रैफिक आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये सिंगरौली जिले का पोर्शन जिसमें आप लोग साफ साफ स्क्रीन पर देख सकते हैं इतना ट्रैफिक जाम, और मैं खुद पुल पर से जा रहा हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या ट्रैफिक की कंडीशन है। ये है नेशनल हाईवे 39 की गोपद नदी की पुल, जिस पर न जाने मैं कितनी बार बोला हूं, इन बोरियों पर मैं कितनी बार बोला हूं, ये जो आपको बोरियां दिख रही हैं, जो मैं बात करता हूं बार बार रेलिंग्स की, सेफ्टी गार्ड्स होती हैं रेलिंग्स दोस्तों, लेकिन गोपद नदी की पुल के यही सेफ्टी गार्ड्स हैं। मुंडी पुलिया जिसमें एक बार में एक ही बड़ा वाहन निकल सकता है, बस और ट्रक की मैं बात कर रहा हूं, और उसकी वजह से एक बस जैन बस में कुछ टेक्निकल इशू आया और पूरा का पूरा जो पोर्शन है इस पुल का, गोपद नदी की पुल का, वो ट्रैफिक जाम में फंस गया। दोस्तों कितने लोगों का समय बर्बाद हो रहा है। ये पुरुषवाणी बस है जो सतना के लिए जाएगी, और आज तो यह समय पर नहीं पहुंच सकती चाहे कितना भी टाइम मेंटेन करे, क्योंकि जैन बस से लगभग 10 या 15 मिनट की लेट से पुरुषवाणी बस चलती है, और पुरुषवाणी बस को खड़े हुए भी यहां लगभग 15 से 20 मिनट होने वाले हैं या हो ही गए होंगे। दोस्तों अभी कितना वक्त लगेगा ये कहा नहीं जा सकता। और ये पुल है पुरानी पुल जिस पर मैं चल रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, और ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही है नई पुल। इस पुल का निर्माण दोस्तों कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो पुल पेंडिंग में ही है, और न जाने कितने वर्षों तक पुल पेंडिंग में ही रहेगी। इस पुल पर आप देखिए बड़े बड़े गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे पुल के बीच में। दोस्तों इस पुल पर एक्सीडेंट नहीं होगा तो किस पुल पर एक्सीडेंट होगा। ये देखिए मैं आपको नई पुल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और अब मैं लगभग पहुंच रहा हूं पुल के दूसरे सिरे पर, यानी कि जो सिंगरौली जिले का पोर्शन है, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो कि एक मात्र बस के कुछ टेक्निकल इशू में खराबी की वजह से जो इतना भयंकर ट्रैफिक जाम लगा है, और जिसकी अभी समय सीमा तय नहीं है कि वह कब तक में ठीक होगी। यहां पर आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े गड्ढे पुल के बीच में, और जो इतने हैवी ट्रक्स पुल पर खड़े हैं, निश्चित रूप से उनका भी डेड लोड पुल पर भार बढ़ा रहा है। और अब मैं पहुंच आया हूं, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, यहां पे लिखा हुआ है सीमा समाप्त थाना जियावन जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश, यहां से लगता है और सीधी जिले की यहां से सीमा समाप्त होती है। अब मैं आ गया हूं सिंगरौली जिले के पोर्शन में। छोटे जो वाहन है वो
जरा सा जो स्पेस है उससे निकलने की कोशिश में है, फिराक में है। और ये देखिए बाइकर्स, बाइकर्स रिस्क लेकर अपने लाइफ को रिस्क में डालकर निकल के बताइए आ रहे हैं। ये जनाब हैं जो कि इनको अपने लाइफ की कोई परवाह नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं, जरा सोचिए कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाएंगे कहीं पहुंचने में, इनको आधे घंटे की देरी हो जाएगी तो क्या नुकसान हो जाएगा। दोस्तों ये अपने स्क्रीन पर देखिए, इतना बड़ा ट्रक है, और इतना बड़ा ट्रक, और न सिर्फ एक ट्रक है बल्कि मुझे तो लगता है कि कई सारे 3-4-5 ट्रक इस पुल पर खड़े हुए हैं। मुझे खुद डर लग रहा है, मैं बिल्कुल किनारे से चल रहा हूँ, हालांकि मैं काफी सेफ्टी बरतने की कोशिश कर रहा हूँ अपने आप में, क्योंकि जान से महत्वपूर्ण भी कुछ नहीं होता। देखिए इतने हैवी ट्रक्स जब यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनका जो डेड लोड है वो कहीं ना कहीं पुल पर एक्स्ट्रा लोड ही डाल रहा है। ये तीसरा ट्रक है, ये आगे वाला चौथा, और उसके आगे वाला पांचवा ट्रक, उसके बाद एक बस, फिर एक दो और ट्रक, छोटे वाहन, और ये इनका देखिए बाइकर्स का। इनकी उम्र जो आगे जा रहे हैं उनकी उम्र कम से कम 50-55 प्लस होगी, ये जो पीछे जा रहे हैं इनकी उम्र कब लगभग 30 वर्ष से ऊपर ही होगी या 30 वर्ष के करीब होगी। अपने लाइफ के साथ लोग दोस्तों कैसे कैसे रिस्क ले सकते हैं, कैसे रिस्क ले रहे हैं, आप लोग साफ साफ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों यही विडंबना है अपने क्षेत्र की, अपने देश की, इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। और जरा सोचिए अभी तो आधे घंटे 40-35 मिनट हुए हैं, कितना समय बर्बाद होगा एक व्यक्ति का अगर आधे घंटे सिर्फ ट्रैफिक में जा रहा है नाजायज, तो जरा सोचिए लोगों का कितना समय बर्बाद हो रहा है। दोस्तों लगभग 40-45 मिनट का वक्त बीत चुका है, और अब बस को लोगों द्वारा कोशिश किया जा रहा है कि चालू हो सके, लेकिन अभी भी इसमें जो फॉल्ट है वो समझ नहीं पाए हैं। 40-45 मिनट से यह बस यहाँ पर डिस्टर्ब है। पुरुषवाणी बस, हमने आपको बताया पुरुषवाणी बस भी खड़ी है जिसे सतना जाना है। हैवी ट्रक्स खड़े हुए हैं दोस्तों इस पुल के बीचों बीच, उनका लोड। और मैं बात आपसे कर रहा था लोगों के समय की। दोस्तों जरा सोचिए, हम ऑन एन एवरेज भी निकालें, अगर ट्रक, छोटे वाहन, बड़े वाहन, बसेस, चाहे वो सीधी जिले के पोर्शन पर हों, चाहे वो सिंगरौली जिले के पोर्शन पर हों, अगर यहाँ पर कम से कम 500 आदमी भी होंगे, और हर व्यक्ति का अगर अभी तक 40-45 मिनट बर्बाद हो चुका है सिर्फ ट्रैफिक की वजह से, तो जरा सोचिए कितना समय बर्बाद हुआ है। अगर 500 व्यक्ति भी हैं और हर व्यक्ति का अगर 45 मिनट बर्बाद होता है, तो जरा सोचिए कितना समय बर्बाद हुआ है। और सिर्फ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट के रूल्स। दोस्तों ये पुल बनी क्यों नहीं, ये जो नवनिर्मित पुल है पिछले 4-6 साल से, तो मैं खुद जानता हूं इतने सालों से यह पुल बनी है, डुअल लेन की पुल है, यह पुल बनी होती दोस्तों तो निश्चित रूप से आज जो लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, लोगों का समय दोस्तों बर्बाद न हो रहा होता। इसीलिए मैं बोलता हूं, मेरी आवाज कड़वी जरूर लगती है लेकिन मैं फैक्ट पर बात करता हूं। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सीधी जिले के पोर्शन में जहां पर क्या ट्रैफिक जाम है। एक द्विवेदी बस आपको दिख रही है, उसके आगे तिवारी बस, एसके बस आ गई है, और बाइकर्स लगातार अपने जान को जोखिम में डाल के और पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बाइकर्स अभी जा रहे हैं और ये निकल जाएंगे, इनकी लाइफ का क्या होगा, लाइफ की इनकी सेफ्टी, इस पर सवाल है। सिर्फ आधे घंटे की 45 मिनट की बात थी लेकिन बाइकर्स रिस्क लेके निकल रहे हैं। इन बाइकर्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं वीडियो बनाने से पहले भी कई बाइकर्स को समझाया कि भैया असुरक्षा से देर भली, आप लोग लेट भले ही हो जाओ लेकिन रिस्क मत लो, क्योंकि रिस्क लेना लाइफ के साथ, इतने सकरे जगह से आप निकलने की कोशिश में हो, कहीं ना कहीं यह बेहद गलत बात है। और अभी एसडीएम देवसर की भी गाड़ी सीधी जिले के पोर्शन में जाके फंस चुकी है, और ये एक इधर एक लंबा ट्रैफिक जाम, बेहद लंबा ट्रैफिक आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं यहां से जरा, ये मोड़ था, ये मोड़ का पोर्शन था, ये देखिए यह है ट्रैफिक जाम। पुल के एंड पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 मीटर से भी ज्यादा की दूरी होगी जहां पर ये ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। एक ऐसा ट्रैफिक जाम जहां पूरा
सीधी और सिंगरौली जिले का जो आवागमन है नेशनल हाईवे के माध्यम से, नेशनल हाईवे 39 के माध्यम से, जिस पर मैं शुभम पाठक बार बार रेलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, आज खुद SDM देवसर श्री आकाश सिंह जी फंस चुके हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पर साफ साफ देखिए, श्री आकाश सिंह स्वयं इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। दोस्तों, मैं आगे चल के और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि क्या एक्चुअल कंडीशन है इस ट्रैफिक जाम की। और ये जाम, इस जाम के बारे में क्या बोलूं, आप लोग स्वयं अंदाजा लगाइए। वीडियो बनाते हुए मुझे इतना वक्त हो गया है और वीडियो में बाद में बनाना चालू किया। मैं जैन बस से ही अमिलिया जा रहा था, मुझे लगा कि 2-4-5 मिनट की बात होगी, कोई टेक्निकल इश्यू होगा। हालांकि जब जैन बस खड़ी थी लगभग 5-7-8 मिनट तक ऐसा था कि कोई भी वाहन न तो सीधी जिले की तरफ न ही सिंगरौली जिले की तरफ, मतलब जैन बस पुल पर अकेले डिस्टर्ब थी। एक्चुअली वो पुल पर नहीं, वो यहां इस वाले पोर्शन में थी, पुल को पार करने के बाद इस वाले पोर्शन में थी, चढ़ाई पर थी और उसे वहां ढकेल कर ले जाया गया है। और इतने सारे लोग हैं जो कि लगातार कोशिश में है कि किसी प्रकार से बस को ठीक किया जा सके, इसके जो टेक्निकल इशू हैं उसको, उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, लेकिन अभी भी पेंडिंग में है। हमने 45 मिनट का जो बताया कि 45 मिनट बीत चुके हैं, दोस्तों निश्चित रूप से अब समय 45 मिनट से भी प्लस हो चुका है। अब मैं इसके बारे में दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस आप खुद अपने स्क्रीन पर देखिए। और जो मैं बोलता हूं कि बार बार रोड बननी चाहिए, नेशनल हाईवे बनना चाहिए, पुल बननी चाहिए, फलाना बनना चाहिए, ढिकाना बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए, इसका एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल, एक सॉलिड रीजन आप लोग देख सकते हैं कि क्यों बनना चाहिए। क्यों मैं बार बार चिल्लाता हूं, क्यों मैं बार बार नेशनल हाईवे 39 करता हूं, क्यों मैं बार बार माननीय नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, क्यों मैं दोस्तों आपसे बोलता हूं कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, ताकि आपकी आवाज, हमारी यह कोशिश ऊपर तक पहुंच सके और इसका कोई निदान निकल सके। दोस्तों, अभी मैं लगातार बना हुआ हूं आपके साथ और आप लोग भी हमारे साथ लगातार बने रहिए। YouTube चैनल टॉक विथ शुभम पाठक के साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और लेटेस्ट न्यूज रिलेटेड टू अवर लोकेशन हम लेकर आते रहेंगे। और हमने जहां से वीडियो की शुरुआत की थी वहीं से वीडियो का अंत कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।